कुछ ऐसा कर कमाल के तेरा हो जाऊं, ओ कुछ ऐसा कर कमाल के तेरा हो जाऊं। मैं किसी और कहूं फिलहाल, मैं किसी और कहूं फिलहाल के तेरा हो जाऊं, मैं किसी और कहूं फिलहाल के तेरा। हाय, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। मैं बिल्कुल ठीक हूँ, उम्मीद करती हूँ आप भी ठीक होंगे। आज हमना पार्लर एंड ब्यूटी टिप्स में मैं ज़रीना रहेल आपके लिए जो वीडियो लेकर आई हूँ, इसमें मैं आज आपको न्यू स्टाइल में जो है मेहंदी माइयों का जो मेकअप करके दिखाने वाली हूँ, और इसके साथ जो न्यू स्टाइल में लुक होती है वो आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ। तो ये जो होगी लुक मेरी जो होगी, ये दुपट्टा, मत जैसे कि आप जानते हैं कि मेहंदी का जो ड्रेस होता है ज़्यादातर जो होता है वो येलो कलर में, ग्रीन, आजकल तो वैसे ज़्यादा कलर जिस तरह आरशी कलर, ब्लू कलर में शरारे होते हैं या लहंगे आजकल बने होते हैं ब्राइडलों के, तो मेरा दुपट्टा जो है वो कुछ येलो और उसके ऊपर कुछ काम जो है वो आरशी पिंक है, ब्लू है और कुछ ग्रीन है। तो जिस तरह मेहंदी का आइज़ मेकअप होता है उसी तरह का आज जो मैं आइज़ मेकअप करूँगी वो मेरा जो हलो सॉफ्ट आइज़ मेकअप होगा, और उसमें जो होगा गोल्डन जो ग्लिटर यूज़ होगा, तो उसके साथ आरशी पिंक जो है वो मैं कलर यूज़ करूँगी। तो चलिए मैं अपनी वीडियो स्टार्ट करती हूँ। फेस पे जो प्राइमर यूज़ कर लूँगी, और मैंने अपने फेस को वॉश किया हुआ है और मैंने डर्माकोस के टोनर से साफ़ किया हुआ है, तो अच्छी तरह से अपना फेस जो है मैंने किया हुआ है नीट क्लीन। तो अब मैं इसके ऊपर प्राइमर का यूज़ करूँगी, और प्राइमर ये ग्लोरियस का प्राइमर है, बहुत अच्छा प्राइमर है, और ये स्किन के जो पोर्स ओपन होते हैं उनको फिल कर देता है और आपकी बेस जो है अच्छे से सेट हो जाती है। तो इस तरह से मैं अपनी ये आईज़ के ऊपर भी लगा लूँगी, अच्छी तरह से सेट कर लूँगी, और अपनी इस तरह से नोज़ के ऊपर, और ये जो नोज़ के साइड एरिया पे ओपन होते हैं पोर्स, उनको भी मैं अच्छी तरह उनके ऊपर भी अपनी फिंगर की मदद से, इस तरह से की बेस नंबर 5 इसकी शेड है, तो इसको मैं अपने फेस के ऊपर अपनी फिंगर की मदद से जो इस तरह से अप्लाई कर लूँगी, तो इसके साथ मैं सेट कर लूँगी, तो ये बहुत अच्छे से सेट हो जाती है। और प्राइमर लगा हो तो फिर ये बहुत ही अच्छे से जो है फेस के ऊपर अच्छी कवरेज देती है, आपके डार्क सर्कल जो हैं, आपके पिंपल्स एक्ने निशान हैं तो उनको अच्छी तरह से ये जो कवर करती है। और मैंने बहुत कम लगाई है क्योंकि मैंने इसके ऊपर जो फाउंडेशन लगाना है मिस रोज़ का, मैंने फेस के ऊपर ये मिस रोज़ का फाउंडेशन यूज़ कर लूँगी, और ये आइवरी 6 नंबर इसकी शेड है। इस तरह से मैं अपने फेस के ऊपर जो अप्लाई कर लूँगी, के बाद नेक्स्ट मैं अपनी आईज़ के नीचे ये कंसीलर लगा लूँगी, और ये मिनरल टच का कंसीलर है, इसको इस तरह से मैं अपनी अंडर आईज़ के नीचे जो है लगा लूँगी, अपनी आईज़ के ऊपर भी लगा लूँगी। और मैं ब्यूटी ब्लेंडर से इसको सेट कर लूँगी, मेरे पास जो है मेरे पास क्रिस्टाइन का है, तो इसको मैं अपने फेस के ऊपर जो है इस ब्रश से जो है थोड़ा थोड़ा मैं अप्लाई करके जो है अपने फेस के ऊपर जो है इस तरह से डस्ट ऑफ करके इस तरह से पूरे फेस के ऊपर मैं ये ब्रश की मदद से जो है आईब्रो फिल कर लूँगी, और ये मेरे पास कैले का जो जेल फॉर्म में आई ब्राउन आईब्रो है, तो इसके साथ मैं ये वाला ब्रश यूज़ करके मैं अपनी आईब्रो फिल कर लूँगी।
इसी को नीचे वाली लाइन को ही मैं इस तरह से फैला लूँगी, और ज़्यादा कलर ब्रश के साथ मैं नहीं लगाऊँगी। इस तरह से करने के बाद मैं इस ब्रश के साथ जो है अपने आईब्रो को, आईब्रो फिल करने के बाद मैं अब इस ब्रश के साथ आईब्रो को सेट कर लूँगी। और आईज़ मेकअप जो है मैं आज वो आरशी पिंक और उसके साथ गोल्डन ग्लिटर लगाऊंगी, और जो आईज़ का है वो मैं हालो सॉफ्ट स्टाइल में आईज़ मेकअप करूंगी। और इसके लिए ये वाला जो आरशी ये वाला पिंक है ये वाला कलर मैं यूज़ करूंगी। तरह से इस तरह से मैं अच्छी तरह से मर्ज करते हुए इस फ्लफी ब्रश के साथ जो है अपनी आउटर की तरफ इसे ले जाऊंगी, और बहुत जो है ऐसे राउंड राउंड ब्रश को जो है ऐसे राउंड राउंड करते हुए तो मैं इसे आउटर की तरफ जो बाहर की तरफ ले जाऊंगी, ताकि मेरा एक ऊपर से जो है आईज़ एक जो है अच्छी शेप आ जाए आईज़ की, और ज़रा खुली खुली आईज़ लगे। और ये बहुत अच्छा जो है मेकअप है, पिंक आरशी सा ये मेकअप है, तो बहुत अच्छा लगता है ये स्टाइल में। और मेहंदी पे तो ये बहुत खिला खिला सा मेकअप अच्छा लगता है। हमें इसे आउटर कॉर्नर पे थोड़ा सा ये ब्लैक कलर जो है इस आई शेडो पैलेट में, तो ये ग्लैमर फेस की जो आई शेडो पैलेट है, तो ये आउटर पे थोड़ा सा मैं ब्लैक कलर जो है वो मर्ज करूँगी इस तरह से। ऐसे इधर से मैं बाहर की तरफ जो है और इसके लिए ये वाला मैं ब्रश जो है एक फ्लफी सा एक ब्रश है ये वाला मैं यूज़ कर रही हूँ, और बहुत लाइट हाथ से मैं सिर्फ ये इसके जो कट क्रीज के ऊपर ही मैं इसको रखूँगी, ज़्यादा ऊपर नहीं लेके जाऊँगी। जो आईज़ ये बॉल हैंड के ऊपर ये गोल्डन जो मेरे पास ग्लिटर है ये मैं अप्लाई करूँगी। इस ब्रश के साथ जो पिंक कलर है ये जो लाइंस सी ग्लिटर की नज़र आ रही हैं इनको ज़रा मैं मर्ज करने के लिए यही पिंक कलर जो है लेके तो मैं इसके जो है ऊपर लगाऊंगी।
इस तरह से पिंक कलर थोड़ा सा इसमें ऐड करूंगी ताकि आईज़ की लुक जो है और अच्छी सी ज़रा आए। अब मैं अपनी आईज़ के नीचे भी यही पिंक कलर जो है वो अप्लाई कर लूँगी। ये वाइट पेंसिल जो है ये लगा लूंगी। और मैं अपने ये इनर आईज़ पे ये मेरे पास शिमरी ग्लिटर है इसको मैं लगा लूँगी। इस तरह से अपनी आईज़ को हाईलाइट करूंगी और ये शिमरी मेरे पास सिल्वर में है इसके साथ में अपनी आईज़ हाईलाइट कर लूंगी। आईलैश जो है ये अप्लाई कर लूंगी।
तो ये थी गाइस मेरी आज की जो फाइनल मेहंदी और मायो की लुक, जो जैसे कि मैंने एक न्यू स्टाइल में आपको जो आजकल ट्रेडिशनल स्टाइल चलता है मेहंदी का स्टाइल, उसी के साथ मैंने ये आपको मेकअप करके दिखाया और साथ इसके जो अपनी मुकम्मल ये मेहंदी की लुक है आप लोगों के साथ शेयर की। तो ये आप देख सकती हैं कि इसके साथ कितना मैंने जो दुपट्टा है वो थोड़ा सा डोनट करके तो उसके ऊपर सेट किया है। तो ये इसकी थोड़ी सी और भी हाइट आप देना चाहते हैं तो दे सकते हैं, तो मैंने थोड़ा सा कम ही मतलब के रखा क्योंकि मैंने वीडियो बनानी थी। तो मैं आईज़ मेकअप आप देख सकते हैं कि मैंने कुछ पिंकिश सा और गोल्डन जो ग्लिटर इसके अंदर यूज़ किया और आप देख सकते हैं कि कितना अच्छा ये आईज़ मेकअप होता है। कुछ ब्लैक मर्च किया और पिंक किया और गोल्डन और किस तरह से ये आप आज मेकअप आप देख सकते हैं कि कितना अच्छा ये लगता है। और इस तरह मैंने नीचे कोई काजल वगैरह नहीं अप्लाई किया और सिंपल मैंने सिल्वर ग्लिटर ही आईज़ के नीचे और आईज़ के अंदर भी मैंने वाइट पेंसिल का ही यूज़ किया। तो ये मेरी फाइनल आज की लुक थी मेहंदी की, आप लोगों को कैसी लगी? तो अगर आप लोगों को मेरी ये मेहंदी की जो न्यू स्टाइल में जो मैंने आप लोगों से मेकअप शेयर किया है लुक अच्छी लगी है तो अपने कमेंट में ज़रूर बताइएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकॉन ज़रूर प्रेस करें ताकि मेरी आने वाली हर नई वीडियो आप तक पहुंच सके। तो इसी के साथ मैं इजाज़त चाहूँगी, अल्लाह हाफिज़। मैं तो कहीं दो तीन तस्वीरें ही ला दें आ चार पाँच जिमें अगे म्यूजिक तो लाता हूँ दो तीन वीडियो चलाई।